ये आदमी इसने अपने सालों साल कई इस साल इसने कॉलेज में टीचिंग करते हुए गुजारे और जो फ़ौजी लोग होते हैं उनको बताया कि इस साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम रीडिंग को लंबे अरसे के लिए कैसे याद रख सकते हैं अच्छा ये मेथड बड़ा बेनिफिशियल है किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी आदमी के लिए जो रीडिंग जो करता है उसको याद रखने की कोशिश करता है ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट जो लोग हैं ना दुनिया में वहाँ पे ये वाला मेथड एस क्यू थ्री आर वाला जो है इसके ज़रिए तालीम दी जाती है और ये बहुत सारे मसाइल का हल है इसमें यानी आजकल बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं कि बच्चा जो है वो लेसन याद करता है लेकिन लेसन उसको भूल जाता है वालदेन परेशान होते हैं बच्चा खुद परेशान है और उस्ताद भी परेशान होते हैं जो उसको पढ़ा रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ये पढ़ाई एक बच्चे के लिए ना पहाड़ बन जाती है अगर ये साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है सबक याद करने में और सबक को रिटेन करने में लंबे अरसे के लिए सबक़ को याद रखा जा सकता है बेसिकली जो एस क्यू थ्री आर है वो है एस से बनता है सर्वे ठीक हो गया सर्वे का मतलब होता है कि आपने टेक्स्ट पढ़ना है तो उसके अंदर से मेन आइडियाज़ जो है ना उनको ढूँढ लें उसके बाद क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन पढ़ें ये इसको जिन में रखें कि आपको इस टॉपिक में से पहले क्या चीज़ आती है उसके बाद रीड करना आपने यानी कुछ क्वेश्चन बनाने हैं उसके आंसर फाइंड करने हैं फिर रिसाइड करना है उसको और कि इसमें से आप किस चीज़ को याद करना चाहते हैं मेन पॉइंट्स आपके लिए कौन कौन से हैं जिसको आपने याद करना है उसके बाद रिकॉल का आता है री रीड योर नोट्स जो आप नोट्स बना लें जो मेन पॉइंट्स आप नोट कर लें उनको आप दोबारा से रीड कर लें ठीक हो गया और उसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना उसको अपने अल्फाज में ढालें तो इस तरह अगर आप करेंगे तो इन सर्वे आप करेंगे तो एक स्टेप अचीव हो जाएगा अगर क्वेश्चन करते हैं तो दो स्टेप अचीव हो जाएंगे अगर आप उसको रीड करते हैं अच्छे से रीड कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप अचीव हो जाएगा और अगर अगेन रीड रिसाइड करते हैं और सेकंड जो है उसके ऊपर अमल करते हैं तो फिर चौथा स्टेप और अगर आप रिव्यू भी साथ ही कर लेते हैं तो फिर पाँच के पाँच स्टेप आपको हासिल हो जाते हैं और अगर ये पाँच स्टेप हासिल हो जाएँ तो जो लेसन है जो भी रीडिंग है वो लंबे अरसे तक याद रखी जा सकती है अच्छा मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस मेथड के ज़रिए अगर सबक को एक बार याद कर लें तो उसको पूरा साल भी याद रखा जा सकता है रिसर्च कहती है कि अगर आप एक सबक याद करते हैं तीस मिनट के लिए इतना भी सिर्फ तीस मिनट के लिए एक सबक आप याद करते हैं और जो अपकमिंग ट्वेंटी फोर आवर्स हैं उनमें सिर्फ़ पाँच मिनट सिर्फ़ पाँच मिनट इस सबक़ को दोहरा लेते हैं यानी रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो सबक सेवेंटी परसेंट तक रिटेन रहता है एक हफ़्ते के लिए सेवेंटी परसेंट तक रिटेन रहता है एक हफ़्ते के लिए और अगली रिसर्च ये कहती है कि एक हफ़्ते के बाद इस सबक़ को अगर दोहरा लिया जाए तो वो सबक पूरा साल याद रहता है 70 परसेंट तक यानी वो सेवेंटी परसेंट सबक जो है वो पूरे साल तक याद रह सकता है और अगर आपने नोट किया हो तो यही दोहराई वाला मेथड जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं उस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा होता है एक तरफ उनका सबक चल रहा होता है दूसरी तरफ सबकी चल रही होती है और एक तरफ मंजिल भी चल रही होती है और कुरान पाक जैसी अज़ीम और बड़ी किताब को भी आसानी से याद रखा जा सकता है और जो नहीं दोहराते हैं तो वो बहुत जल्दी क़ुरान पाक को भी भूल जाते हैं अच्छा हमारे स्टूडेंट्स का इशू ये है कि वो एक दिन सबक याद करते हैं अगले दिन उनको और सबक मिलता है नया अगले दिन फिर इनको मज़ीद नया सबक मिलता है पीछे से दोहरा नहीं पाते पीछे से दोहरा नहीं पाते तो उनका पीछे वाला लेसन जो है वो भूल जाता है यानी आगा आगे दौड़ पीछा छोड़ वाला मामला जो है वो हो जाता है तो इसलिए मैं कहूँगा कि रिवीजन जो है वो मैजिक है रिवीजन मैजिक है अगर आप रिवाइज़ करते रहते हैं थोड़े थोड़े अरसे के बाद थोड़े थोड़े वक़े के बाद अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो जो सबक भी आप याद करते हैं वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है ठीक हो गया और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो एक या दो दफ़ा रिवाइज़ करने से आपको याद हो जाता है और वो ऐसा आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो जैसे मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी में या मोबाइल की मेमोरी में कोई चीज़ सेव करके आप रख देते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक क्लिक से आप उसको निकाल लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही ये एस क्यू थ्री आर के मेथड पर अमल करने से भी आप कर सकते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एस क्यू थ्री आर के मुताबिक जो कि एक साइंटिफिक मैथड है उसके मुताबिक आप अपनी स्टडी को करें अगर आप इस मेथड पर स्टडी करते हैं तो आई अश्योर यू कि आपके लिए सबक जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ाई जो है वो पहाड़ नहीं रहेगी बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर भी हासिल कर लेंगे वालदेन को भी खुश कर लेंगे इस भी आपसे मतमिन होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद भी अपने आप से मतम हो जाएंगे इसलिए जब भी आप आइंदा लेसन याद करें तो एस क्यू थ्री आर का जो फार्मूला है उस पर ज़रूर अमल करें ये ज़रा रिटेंशन भी चेक कर लीजिए यानी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है आप उसके लैक्चर को सुनते हैं तो ओनली फाइव परसेंट आप गते हैं लेक्चर से आप फाइव परसेंट गेंद करते हैं और अगर लेक्चर सुनने के बाद आप उसको, उसको ख़ुद से रीड करते हैं लेक्चर को सुनने के बाद ख़ुद से रीड कर लेते हैं तो टेन परसेंट आप रिटेन करते हैं और अगर उसके बाद आप ऑडियो और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं ए वी एड्स भी कहते हैं इनको अगर ये आप यूज़ करते हैं तो ट्वेंटी परसेंट आप गेन करते हैं और अगर आप उसको डेमो देते हैं डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं तो आप नेक्स्ट थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और आप गेन कर लेते हैं थर्टी परसेंट और इसी तरह अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं दोस्त डिस्कस करते हैं या दोस्त आपसे डिस्कस करता है तो फिफ्टी परसेंट आपका रिटेंशन रेट चला जाता है फिर आप उसको करने की प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस ड्रॉइंग करते हैं सपोज़ के मैथ की आप सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो आप ख़ुद से उसकी प्रैक्टिस करते हैं या कोई टेंस बना रहे हैं उसकी ख़ुद से प्रैक्टिस करते हैं तो सेवेंटी फ़ाइव तक और लाइक वाइज अगर आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आपका रिटेंशन रेट जो है वो नाइन्टी परसेंट तक पहुंच जाता है तो याद रखना है कि आपने सारे इस अमल में बहुत ध्यान से सुनना है लोगों को जो भी पढ़ा रहे हूँ आपको उनकी तवज्जो से सुनना है और ये सारे जो लेवल्स बताए गए हैं आपको इस पर अमल भी करना है ताकि रिटेंशन रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके आपको एक बार चीज़ याद हो जाए तो उसको दोबारा से याद करने की ज़रूरत ना पड़े सिर्फ रिवाइज़ करने की जरूरत पड़े